डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब समझ जाइएगा, प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। और बट्टा को कहा जाता है छूट की राशि। इसे कहा जाता है छूट की राशि। अब देखिए छूट की राशि कैसे होती है। तो छूट की राशि हमेशा जो किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य। और इसके बाद इतर हम थोड़ा सा याद करेंगे कि इसमें एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य के बाद हम लोग यूज करेंगे लाभ हानि का। तो जब लाभ हानि की बात होगी, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सीपी का जिक्र करेंगे, मतलब क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। इसमें तीन नया चीज आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक आया है अंकित मूल्य, एक आया है बट्टा, और एक आपका आया है क्या, विक्रय मूल्य आया। तो सबसे पहले बट्टा देकर आप लोग मुझे डैश दीजिए। बट्टा देकर डैश लिखे बट्टा। जब सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर, जब सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर कोई राशि छोड़ दी जाती है तो उस छोड़ी गई राशि को बट्टा कहा जाता है। छोड़ी गई या छूट, दोनों एक ही चीज, बट्टा कहा जाता है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 500 रुपया है, और यह बुक 480 रुपया में कोई खरीद रहा है। ये दोनों का जो अंतर है, अंतर को ही हम लोग बट्टा बोलेंगे। और ये बट्टा होता है 500 माइनस 480 बराबर कितना, 20। यही 20 क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट हो। इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिए। उसके बाद अंकित मूल्य देकर डैश दीजिए। किसी वस्तु पर
निर्धारित मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। इसी वस्तु पर निर्धारित मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। इसे सूची मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। सूची मूल्य अंकित मूल्य एक ही चीज होती है। और अभी के प्रचलन में अगर बोलिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, अंकित मूल्य बराबर सूची मूल्य, और प्रचलन में भी हम लोग जो बोलते हैं MRP, इसी को कहा जाता है। MRP देखने के बाद कहता है कि 70 रुपये एक्सीज है, ठीक है 65 रुपये हम दे देते, 5 रुपये का छूट है, MRP ही मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। अभी हम बेसिक बात एक जगह पढ़ा देते हैं, बाद में फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर वहां भी हम लोग जिक्र करेंगे सब चीज का। आप देखिए क्या हो गया, अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से फॉर्मूला का क्रिएशन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, देखिए 100 रुपया की वस्तु, 100 रुपया की वस्तु 20 रुपया की छूट पर, 100 रुपया की वस्तु 20 रुपया की छूट पर कितने रुपया में प्राप्त होगी? पानी पी लो। कितने रुपया में प्राप्त होगी? तो देखिए 100 रुपया की वस्तु 20 रुपया की छूट, छूट हमेशा क्या होता है घटता है, ये छूट हमेशा घटता है, और 80 रुपया में ये क्या हो रहा प्राप्त हो रहा है। ये अब आपका 100 जो हो गया अंकित मूल हो गया, अब इसको अमो लिख रहे, ठीक है दिक्कत नहीं ना। अंकित मूल माइनस ये क्या हो गया बट्टा बराबर ये जो है विक्रय मूल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया इससे, अंकित मूल माइनस बट्टा बराबर विक्रय मूल, अर्थात विक्रय मूल बराबर जब याद करेंगे अंकित मूल माइनस क्या होगा बट्टा होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है बेसिक चीज आज पढ़ा देते, कितना बेसिक हमको समझाने का आगे। 100 रुपया जो है वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक हम जिक्र नहीं किया अंकित का, केवल बोले कि 100 रुपया की कोई वस्तु है 20 रुपया की छूट पर, तो 100 रुपया की चीज 20 रुपया की छूट पर आप कितना कर देंगे 80 रुपया में, अर्थात 100 माइनस 20 हुआ है, 100 माइनस 20 बराबर कितना 80, यही 100 जो हो गया मेरा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया, 20 रुपया क्या हो गया बट्टा हो गया, बराबर जो रेट आएगा वो आपका क्या होगा विक्रय मूल्य, मतलब अंकित मूल्य से जब आप बट्टे को निकाल देते हैं तो दुकानदार के लिए हुआ क्या हो जाता है विक्रय मूल्य। ये सब बात जो हो रही है किसके लिए हो रही है, दुकानदार के लिए हो रही है, और जो खरीदता है उसके लिए, जैसे यही चीज 80 रुपया देखो ये कौन सेल कर रहा है, दुकानदार सेल कर रहा है, दुकानदार के लिए 80 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, मगर हम जो खरीदेंगे तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा। तो मगर ये जो चैप्टर बेस्ड होगा आपका, जहाँ पे कस्टमर की बात होगी कस्टमर का बात उसमें क्लियर लिखा रहेगा, लेकिन जनरली हमेशा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे दुकानदार के बारे में। ठीक, ये समझ गए। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 780 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 780 रुपया है, यदि यह वस्तु कोई व्यक्ति, यदि यह वस्तु कोई व्यक्ति 650 रुपया में खरीदा हो तो वस्तु पर बट्टा क्या था, 650 रुपया में खरीदा हो तो वस्तु पर बट्टा क्या था, वस्तु पर बट्टा क्या था,
तो अब जो है आप देखिए, अब यहाँ से फॉर्मूला का क्रिएशन करवा रहे हैं आपसे, ठीक ना। अब यहीं पे समझिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। किसी भी फॉर्मूला में जितने टर्म इन्वॉल्व रहता है उसका उतना फॉर्मूला बनता है, आप समझ रहे हैं। जिस फॉर्मूला में जितने टर्म का यूज होता है उतना क्या होता है, फॉर्मूला बनता है। इसमें एक दो तीन टर्म है तो तीन फॉर्मूला बनेगा। एक विक्रय मूल बराबर अंकित मूल माइनस बट्टा। अब अगर बट्टा अगर निकाल लेते हैं सपोज दैट, तो बट्टा जब निकालिएगा तो माइनस को प्लस करेंगे तो उधर ले जाएंगे और विक्रय मूल मेरा इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल हो जाएगा, समझ गए। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। और दूसरा जो बनेगा एक अंकित मूल्य भी बनेगा। अंकित मूल्य बराबर अगर विक्रय मूल्य और बट्टा के रूप में देखना चाहेंगे तो उसमें लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। ये तीन फॉर्मूला है। अब जो है हम लोग देखते हैं अभी वाला क्वेश्चन जो है किस पे बनेगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, बट्टा निकालना था। तो बट्टा बराबर देखो क्या है, 780 रुपया की वस्तु कितना में मिल रहा था, 650। मतलब 780 आपका क्या है अंकित मूल्य और 650 क्या है विक्रय मूल्य। दोनों को घटाइएगा तो ये आपका डिस्काउंट दे देगा। एक मिनट, 650 में खरीदा हम क्या बोले, ये काम जो होता है दुकानदार के लिए होता है। दुकानदार जो है 780 रुपया की चीज 650 रुपया क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब बेचेगा तो खरीदने वाला होगा ना। देखो सेंटेंस क्या है, कोई व्यक्ति से उसे कितना खरीद रहा है, 650 रुपया में खरीद रहा है। मतलब 780 माइनस 650 बराबर 130 क्या हो गया, बट्टा हो गया। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, इसका फॉर्मूला फटाफट ये तीनों लिखिए। डिस्काउंट नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, बच्चा दर बताएगा जी। पंद्रह तक आप लोग आ जाइए, 15 मिनट तक हम वेट करेंगे। 7:30 ओवर हो जाता है फिर मेरा तो बिगड़ जाएगा 7:45 में। हो गया। अब हम लोग जो है नया टर्म पढ़ेंगे बट्टा दर। आप लोग बट्टा दर लिखिए या इसी को प्रतिशत बट्टा बोलते हैं। बट्टा दर या प्रतिशत बट्टा लिखिए। तो हम इसको लिखने से पहले आप लोग को मेमोराइज करा देते हैं कि जैसे वहां पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि फाइंड करते थे तो उसमें हमेशा जो है फिक्स करते थे कि नहीं बस प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पे निकलेगा, कार्य मूल पर निकलेगा। तो ये बट्टा या बट्टा दर जो निकालेंगे हम लोग, सॉरी प्रतिशत बट्टा, ये हमेशा किस पे निकालेंगे, अंकित मूल पे निकालेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला लाइन लिखाएगा कि बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए बट्टा दर एक ऋणात्मक दर होती है, जिससे आपके दिमाग में होगा हमेशा घटाना है, समझ गए। बट्टा दर एक ऋणात्मक दर होती है हमेशा। बट्टा दर की जब भी बात आएगी हमेशा निगेटिव घटाने की बात सोचना है। पहले फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे, बट्टा दर या प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य गुना एक।
क्लियर। तो अब इस पर हम लोग जो बेसिक काम करते हैं, सीखते भी हैं। चैप्टर तो इस पे भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन मॉर्फिक फ्री सेट्स का इस तरह से बताते चलेंगे। इसके बराबर विक्रम मूल्य लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 400 रुपया, तो वस्तु का बट्टा दर क्या है? हम अभी बताए थे अंकित मूल्य को ही हम लोग MRP भी बोलेंगे, समझ गए ना, या फिक्स प्राइस बोला जाता है। तो आपका फिक्स प्राइस इसमें दिया है कितना, 500 रुपया, और इसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 400। डिस्काउंट मेरा कितना मिल गया, 100। तो प्रतिशत डिस्काउंट निकालोगे तो हो जाएगा D/FP, फिक्स प्राइस गुना क्या हो जाएगा, 100। तो डिस्काउंट हो गया आपका 100/FP हो गया कितना, 500 × 100। ये 5 बार में काटेगा, इसको काटिएगा तो ये 20 बार में काटेगा, मतलब डिस्काउंट का रेट मेरा कितना है, 20% का है। क्लियर। इसमें बस अहम बात जो था वही लिखा दिया कि बट्टा दर या प्रतिशत बट्टा जो होती है एक ऋणात्मक दर होती है, क्या होती है, ऋणात्मक दर। अगला क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, उसके बाद अपन बातें हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है यदि बट्टा दर 20% हो, यदि यदि बट्टा दर 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर जो है दो तीन रिमार्क फिर लिखे हैं, रिमार्क लिखिए। रिमार्क ये है कि यहाँ पे अंकित मूल्य 100% होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, 100% होगा, समझे। अब इसको अगर व्यवहारिक रूप से बनाएंगे, जो कि हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो 20 मतलब अगर अंकित मूल्य अगर 100% है, इस पे आपको डिस्काउंट रेट दे रहा है कितना, DR जो दे रहा है कितना दे रहा है, 20%, तो कोई वस्तु कितना में अवेलेबल हो जाएगा, 80% में अवेलेबल हो जाए है। तो कहने का मतलब तो लिखिएगा 100% ही वैल्यू मेरा कितना है, 800 है, इसलिए 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800/100, 00 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए 100% निकाल दिए, यही MRP हो गया, सॉरी 20% डिस्काउंट, 80% निकाल दोगे तो हो जाएगा 8 × 80 बराबर कितना, 640। ये पहला तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका लगाओगे तो ये जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना। अब यहाँ पे हम अभी इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक ना, जरूरत के हिसाब से जहाँ पर हमको होगा उस तरह हम यूज करेंगे। अभी जैसे इस प्रश्न में हम एक डिस्काउंट रेट दिए, हो सकता है कि 3-4 डिस्काउंट रेट आपको दें, तो वैसे कंडीशन इसको हम जनरल बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे। तो पहला जो डिस्काउंट होगा मान लेते हैं, तो उसको D1 को घटा लीजिएगा, बटे क्या करेंगे, 100। अगर दूसरा भी डिस्काउंट इन्वॉल्व है, 100 − D2 बटे 100। अगर तीसरा डिस्काउंट इन्वॉल्व है, 100 − D3 बटे 100। इस तरह से जितने डिस्काउंट अवेलेबल होगा मेरे पास, उस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, लगाते चल जाएंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला का जनरल रूप हो गया, इसको नोट आउट कर लीजिए बीच में।
लिख लिए फॉर्मूला। अब देखिए तो ये पहला मेथड था इसका, अब दूसरा मेथड ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। सेकंड को हम लोग यूज करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर आपके इसमें कितना एक ही डिस्काउंट मेरा यूज है, एक डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, यहाँ अंकित मूल्य हम लोग कितना ले लेंगे 800। पहला डिस्काउंट जो है 20% है तो डायरेक्ट आप लोग करने के लिए सीखे कि 20% है मतलब 100 में से 20 घटेगा कितना 80 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 00 कैंसिल हो जाएगा कितना हो गया 640, इससे भी 640, इससे भी 640, फॉर्मूला लगा के भी निकालेंगे ये जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसी में लिखो सेकंड मेथड में बना लीजिए ना। अब इसका टाइप नंबर एक हम लोग देख रहे हैं, फिर भी बोर्ड पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बता सकते हैं ज़्यादा ही छोटा है। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट का हम लोग बता रहे हैं, टाइप नंबर फर्स्ट में करा कि एक सामान का अंकित मूल्य जो है 1000 रुपया है, एक सामान का जो है एफपी का मतलब समझिएगा फिक्स प्राइस है कितना 1000 रुपीज है, और इस पे डिस्काउंट रेट जो है मेरा D1 जो है 10% है, D2 जो है मेरा 5% है, और D3 जो है मेरा कितना है 20% है, तो इसका जो आपको सेलिंग प्राइस SP निकालना है। तो चले हम लोग, तो आपका हो जाएगा 1000, पहला डिस्काउंट 10% हटाओगे 90/100, दूसरा जो 5% हटाओगे 95/100, और 20 हटाओगे तो 80/100, 1020, 1020, फिर 1020, 1020 खत्म हो गया, फिर आपका ये 00 खत्म हो गया, मतलब 972×95 कितना हो जाता है, और कट रहा क्या 19 हो गया, और ये 5×10 ये 36×72, मतलब 36×19 फाइनली है। इसमें आप लोग जो है जब तक हम चाय पीते तब तक जो है ना इस सेक्शन को ही खत्म कर दीजिए, आप लोग बना बना को पूरे सेक्शन को बना जाइए, प्रैक्टिस आप लोग घर पे कीजिएगा नहीं यही करवा देते हैं। आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आंसर अगले से आ जाएगा, ये तब तक टाइप हो गया था फिर मार गया। बनाइए सॉल्यूशन घर पे भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रोसेस देख लेंगे पता चल जाएगा हमको, सबसे बनना चाहिए।
बनाइए, देखने में दिक्कत हो रहा है, कलम को लगा बन गया क्वेश्चन सबसे। मतलब इस टाइप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि बन जाएगा मेरा, कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रदीप बन जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा क्या? पांच नंबर 5,200 पांच नंबर में कह रहा है कि 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की कर्मी छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है और वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचने की 15% मिक्सअप हो गया, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा ठीक है, अभी तो शुरुआत है, इसको मिक्सअप कर। ये बन गया, इधर बाकी सब बन गया ना? किसी से हो रहा है क्या? अब देखिए दो टर्म आपके पास है, इसका हम क्वेश्चन सेटअप तैयार कर रहे हैं, दो क्वेश्चन समझिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा अगर लिखा रहे तो कैसे बनाएंगे? गुप्ता कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कैसे बनाना? चलो ठीक है, आप ये दो क्वेश्चन देखते लिखे क्वेश्चन, तो ये देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया। एक दुकानदार के द्वारा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, एक दुकानदार के द्वारा वस्तु को, एक दुकानदार के द्वारा वस्तु को, ये देखो यहाँ लिखना है 10.5/10, 2/20, n/30 की शर्त पर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, एक दुकानदार के द्वारा वस्तु को 10.5/10, 2/20, n/30 की शर्त पर बेची जाती है। बेची जाती है हो गया, बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा इसे खरीद कर इसका भुगतान 9वें दिन किया हो, यदि कोई व्यक्ति के द्वारा खरीद कर इसका भुगतान 9वें दिन किया हो तो वस्तु कितने रुपये में प्राप्त हुई होगी? इसका भुगतान 9वें दिन 9वें दिन किया हाँ, तो
कितने रुपया में वस्तु प्राप्त हुई होगी। एक टर्म हम आपको समझा देते हैं, समझिए। बस ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इस काम कर रहे हैं कि ये जो है मतलब डिस्काउंट रेट का शर्त है, इसका मतलब आपको समझ लेना है। नहीं बुझ रहे क्या लोग? चलो नगद भुगतान, जैसे नगद भुगतान, जैसे कोई सामान लिए और तुरंत उसका क्या करेंगे पेमेंट अगर हम करते हैं तो उसका मतलब हुआ दुकानदार एट ए टाइम उसको 10% का डिस्काउंट देता है। कितना देता है? 10%। लेकिन ये नीचे में डे का कंडीशन रहता है। नीचे में क्या है? डे का कंडीशन कि जिस दिन से खरीदा उसके 10वें दिन तक बताता है, समझ गए? 10वें दिन तक अगर भुगतान करेगा तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 10 दिन से जैसे आगे बढ़ेगा 11वां दिन से लेके 20वां दिन तक अगर भुगतान करेगा तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 21वां दिन से लेके 30 दिन मतलब 30वां दिन तक अगर भुगतान करता है तो उसे किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जितना में मतलब उसका MRP था उतने में उसको क्या होगा? खरीदना होगा, समझ गया? तो अपना कस्टमर जो है कि कौन दिन पेमेंट कर रहा है वो 9वें दिन। तो 9वां दिन जो है 10 के भीतर है ना, इसका मतलब उसको कितना डिस्काउंट रेट मिलना चाहिए? 5। इसलिए सेलिंग प्राइस जब निकालोगे इसमें तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20,000 और पहला डिस्काउंट इसको मिल रहा है कितना? 5% का हो जाएगा। 95 कितने? 100। सॉल्व करोगे तो ये इतना हो जाएगा, 200 × 95, यही आपका क्या होगा? 8,000। समझे? 9वें दिन भुगतान करना है। 11वां दिन भुगतान करते तो उसको 2% मिलता है। हाँ, नीचे दिन हुआ ये दिन का कंडी, ऐसा जब शर्त रहेगा तो नीचे डे रहता है, ये ध्यान दे दीजिएगा, ये डे रहता है, ऊपर में जो है दिया जाता है मतलब डिस्काउंट रेट रहता है, ठीक। 10वें दिन तक अगर भुगतान, जैसे कि ये हो गया कि नगद भुगतान, जैसे हम दुकान पे गए खरीदे उसके बाद हम पैसा दे दिए तो उसको एट ए टाइम 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब उसके बाद अगर वो गलती से भी एक दिन का भी टाइम ले लिया, एक दिन का टाइम लेगा तो 1, 2, 3 से गिनती कीजिएगा, 10वें दिन तक में उसे कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 5%। अगर वो 10वां दिन भुगतान नहीं कर पाता है, 11वां दिन करता है तो इस रेंज से बाहर हो जाता है। इस रेंज बाहर होता है किसमें आ जाता है? 2% वाला में, ठीक है। तो कहने का मतलब 11वें दिन से लेकर 20वां दिन तक अगर भुगतान करेगा तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का मिलेगा? 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वह 20वां दिन भी अगर भुगतान नहीं कर पाता है, 21वां दिन अगर करता है, 22वां दिन, 23वां दिन, 24वां दिन और ये 30वां दिन तक अगर जाएगा तो इसके बीच में उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, समझ गए? यही चीज नीचे जो है टाइम का बाउंडेशन है। 10वां दिन तक अगर मतलब नगद भुगतान की बात कह दिया तो अलग ही हो गया, अगर नगद भुगतान नहीं कर रहा है उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात करने लगा तो आपको हमको टाइम हमेशा क्या करना है? देखना है, समझ गए? 9वां दिन था तो आपको देखना है कि किस दिन के भीतर आ रहा है, 10वां दिन से पहले है। अगर 10वां दिन तक अगर वो पेमेंट करता तब उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तब लंबे दिन कर दिया तो उसको 5% ऑलरेडी मिलना ही चाहिए। 45 में 95 है। ये आपका हो गया अंकित मूल गुना यहाँ डिस्काउंट, मतलब 100 महीना डिस्काउंट रेट बटे क्या हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, 200 गुना क्या हो जाएगा? 95। अभी ट्रेन है।
एक क्वेश्चन है तो फिर मेरा तो ये
पढ़ाई छोड़ दिए छः नंबर का आंसर बोले जीतू यहाँ कौन होगा आंसर है 16758 छः नंबर का आंसर कौन क्वेश्चन दिए थे इसमें क्वेश्चन ही नहीं दे पाए थे ना एक क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने दीजिए तब उसको ठीक। अब चलिए इसका क्वेश्चन लिखिए देखिए 6000 अंकित मूल वाली एक वस्तु को 6000 अंकित मूल वाली एक वस्तु को एक दुकानदार निम्नांकित शर्त निम्नांकित शर्त इतना पर बेचता है यदि कोई ग्राहक खरीदारी के अगले दिन भुगतान करता हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या खरीदारी जैसे आज की है कल उसको पेमेंट करेंगे तो होता ना अपना आपस में रहता है कल ले लीजिएगा खरीदारी के अगले दिन भुगतान करता हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है इसमें दिन तो नहीं दिया हुआ खोजिए दिन दिया हुआ खोजिए खरीदारी के अगले दिन मतलब एक दिन बाद उसको पेमेंट कर रहा है ठीक ना एक दिन का टाइम ले रहा है एक दिन नगद भुगतान से वो क्या हो गया बाहर हो गया नगद भुगतान किया नहीं तो वो जो है एक दिन से लेके चार दिन के बीच जो भुगतान करेगा एक दिन के बाद तो ये इस रेंज में घुस गया ठीक ना तो उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलना चाहिए ये 6000 का 85% क्या हो जाएगा 100 यही आंसर हो जाएगा 51 से आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा निकल गया चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहे हैं बिठा देते पहले से एक एक नहीं कम से कम दो तीन बताते जाएंगे तब बढ़ेंगे तब हम जो चलेंगे देखिए अब अगला टॉपिक है उसको पहले नोट कीजिए रिलेशन बिटवीन एफपी एंड सीपी हमको जो है फिक्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में क्या करना पहले रिलेशन को देखना कि कैसे रिलेशन क्रिएट होता है ठीक बात समझ गए एफपी एंड सीपी अंकित मूल एंड क्रय मूल्य अंकित मूल और क्रय मूल्य में जो है संबंध देखते हैं कैसा होता है ये क्लियर तो देखो इधर अंकित मूल की बात करेंगे तो इसमें जो है एक शब्द आएगा बट्टा दर क्या आएगा बट्टा दर मगर जब कॉस्ट प्राइस वाला आएंगे इसमें क्रय मूल्य तो आएगा ही इसके साथ दो टर्म आएगा प्रतिशत लाभ की भी बात हो सकती है प्रतिशत हानि की भी बात हो सकती है जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे क्लियर
अब दोनों केस में हमको क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, उसका डिस्काउंट रेट दिया है, उसका विक्रय मूल्य भी होगा, होगा ना। विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? अंकित मूल्य 100 माइनस D1, एक ही डिस्काउंट पे हम चल रहे हैं, दो दिन भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बटे 100। इधर सेलिंग प्राइस लिखा गया, अब इधर लिखो कॉस्ट प्राइस और ये प्रतिशत लाभ होने का सिचुएशन देगा, इधर कैसे सेलिंग प्राइस लिखिएगा। तो सेलिंग प्राइस इधर लिखिएगा क्या, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इनटू, यहाँ 100 प्लस माइनस लिख रहे हैं, समझ गए, ऊपर में जाएगा नीचे में पी ऑब्लिक एल, मतलब प्रतिशत लाभ की बात होगी तो प्लस का यूज करेंगे, लॉस की बात होगी तो माइनस का करेंगे, समझ गए बात। अब बटे कितना हो गया, 100 हो गया। आप देखिए एक ही वस्तु का हम दो सिचुएशन लिखे, अंकित मूल्य पर हम एक बार सेलिंग प्राइस लिखे, एक बार किस पे लिखे, क्रय मूल्य पर लिखे, तो दोनों विक्रय मूल्य है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों आपस में बराबर, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य, तो दोनों के बीच रिलेशन कैसा, बराबर का। तो दोनों के बीच जब रिलेशन बराबर का कीजिएगा तो देखो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस D1 बटे 100 बराबर क्रय मूल्य इंटू 100, हम प्लस माइनस प्रतिशत पी ऑब्लिक एल, अब बटे कितना, 100 खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हमको रेशियो देखना, रेशियो में याद रखना, किस में याद रखना है, रेशियो में याद रखना। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ भी याद कर सकते हैं, एक आप आपकी सुविधा अनुसार, बहुत आदमी को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज आसान लगता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं, समझ गए। D1 कर दिए थे, D रहने दीजिए, ठीक है, D प्रतिशत है बराबर, जो मैथ से भागते वो यहीं याद कर लेना, ठीक है, कि मतलब अंकित मूल्य के साथ जो है डिस्काउंट रेट लग जाएगा और क्रय मूल्य के साथ क्या होगा, लाभ होने लग जाएगा। मगर जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं वो क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य को इसके नीचे ले आइएगा, ठीक है, हाँ, इसको जब नीचे लाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ किधर आ जाइएगा, ठीक, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य जब इधर आ जाएगा तो ये पहले से बैठा हुआ है, ये केवल क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल, प्रतिशत में है, अब बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा, डी प्रतिशत। तो मतलब अंकित मूल्य के साथ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस वाला रिलेशन आएगा, और क्रय मूल्य के साथ क्या होगा, अंकित मूल्य वाला रिलेशन आएगा, रेशियो निकाल लेंगे, समझ गए, चलो लिखो, यही रिलेशन है। कैसे कैसे क्रिएशन किए, इसलिए हम पूरा फिगर के साथ लिखे हैं कि आपको जब भी भूलने लगे ना तो बेसिक चीज को हमेशा याद रखिए, कैसे किया गया है, क्या हुआ है। थोड़ा हाथ चला के लिखिए, 5 मिनट थोड़ा हम फोन पर बात करने में ले लिए आप लोग का। खास करके लड़की लोग के लिए, जिसे बात की वो महिला ही है, और दोनों साथ में जो है क्या कहते हैं, प्रखंड सभा के पदाधिकारी रहे थे, बाबू बाबी अंतराधिकारी है, हम यहाँ पर योजना से बात दोनों अलग अलग सेवा से रहे, कहानी सुनाएंगे साथ अल्पा के सामने। सुना दे सर, सुना दीजिए सर, दादा तो दुश्मन गोली मार के जो है पपा कर फोड़ फाड़ देगा, तुम लोग जो है बस नट बोल्ट कसते रहोगे, तैयारी में हम मारेंगे, हम हाँ चलाओ,
देखिए इसमें तो आपका जो है सेकंड नंबर टाइप जो है इसी पे आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टाइप दूसरा का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, देखो एफपी लिखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। एफपी आपका कितना है 600 और डिस्काउंट रेट जो इसका दिया है कितना दिया है 20%। और कह रहा है इसका क्या फाइंड करने के लिए, सीपी फाइंड करने के लिए कह रहा है, जबकि प्रॉफिट जो है इसका प्रतिशत प्रॉफिट कितना है 20%। तो यही पे रेशियो लिख लीजिए, एफपी बटे क्या करेंगे सीपी निकाल देंगे, बराबर इधर से हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, अब बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा 20%। ये करने के लिए सीखो, जब फिक्स प्राइस लिखोगे तो सेलिंग प्राइस वाला रिलेशन ऊपर जाएगा, जब सेलिंग क्या करते हैं फर्स्ट प्राइस लिखोगे तो उसके बाद जो है एफपी मतलब फिक्स प्राइस वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आप दोनों को पुट अप कर दीजिए, ये हो जाएगा 600 बटे आपका क्या ये सीपी आपको फाइंड ही करना है, ये हो जाएगा 80 बटे 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है यस सर। कितना से हटाओ, इधर से हम काट रहे हैं, देखो 40 दुना 80 40 दिया, दो से काटोगे इधर 300, इसलिए सी पी इसका कितना हो गया 900। ठीक है जरूर काट दे क्या 40 ये 600 ये सी पी है, प्रॉफिट आपका 120 ऊपर जाएगा, ये 80 नीचे आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 200 आएगा, इसलिए सी पी इसका कितना हो गया। बीच वाला लिखो ना, वो कुछ ना लिखते डिस्काउंट रेट के साथ रेशियो पे भी बनेगा, ठीक है, मगर हम अभी आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि बेसिक से आप जुड़िए, उसके बाद जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप जो है चूंकि मतलब रेशियो मेथड आप नहीं लगा सकते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या सूची मूल 800 रुपया कितना है, 800 है और क्या फाइंड करना है सीपी फाइंड करना है, 800 बटे सीपी कर दिए बराबर 25% की डिस्काउंट तथा 20% की लाभ 120 बटे हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं ना सर, आप जो काम करते हैं वो काम आपको परीक्षा हॉल में याद होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी तैयारी का मूल मंत्र है, समझ गए। आप यहाँ क्या कर ले रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है, परीक्षा हॉल में आप क्या कर पाएंगे उसका बहुत बड़ा रोल होगा। फॉर्मूला दिमाग से निकल जाएगा, फॉर्मूला क्या दिमाग से निकलेगा ऐसे अपना मैथड बन जाएगा ये। इसी तरह का क्वेश्चन है टाइप नंबर 2, आप लोग जो इसी तरह ट्राई कीजिएगा, ठीक। अब हम इसमें आपको लास्ट सेक्शन बता रहे हैं समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, थोड़ा सा माइंड हल्का कर देते हैं। चलिए हम आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बहुत निकालने के लिए बता रहे हैं, दो क्वेश्चन काफी है समझने के लिए, बना लीजिएगा रिलेशन बता ही दिए दोनों में। चलिए तो समतुल बट्टा क्या होता है, देखो समतुल बट्टा को आप एकदम सिंपल वे में समझिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जैसे दो आदमी मिल के काम करता है उसके बदले में एक आदमी को हम रख ले जो कि उसके बराबर काम करे तो उसी को समतुल कहा जाता है, मतलब एक आदमी के बराबर क्या है वो दोनों व्यक्ति क्या है समतुल है, समझे, तो उसी को क्या कहते हैं समतुल बट्टा कहते हैं, समझ गए। तो देखिए समतुल बट्टा का जैसे कहने का मतलब है कि 10% तथा 20% का क्या निकालना है ईडी निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इसको अगर बेसिक मेथड से बनाते हैं तो बेसिक मेथड में इसमें देखिए क्या हम लोग काम करते हैं बेसिक में, कि हम लोग जो है फिक्स प्राइस को कितना मानेंगे 100, अब इसमें क्या करेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 100 × पहला डिस्काउंट 10 है तो 90 बटे कितना 100, फिर 20 जाए तो 80 बटे कितना 100, ये 000 खत्म, इधर 00 खत्म, कितना हो गया 72, मतलब 100 रुपया की चीज हमको कितना अवेलेबल हो गया 72 में, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो मेरा मिला वो 100 − 72 बराबर कितना हो गया 28 जो है
तो कहने का मतलब ये जो टुकड़ा टुकड़ा डिस्काउंट है ये नहीं देखे, अगर हम अकेले 28% का डिस्काउंट दे दे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। मगर इसको हम ये बेसिक मेथड है, इसको बनाएंगे कैसे सेकेंड मेथड वो देखो। 100 के रिस्पेक्ट में लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, डिस्काउंट को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो डिस्काउंट देखिए 10% को 100 के रिस्पेक्ट में लिखिएगा कितना हो जाता है, फिर 20% डिस्काउंट को लिखिएगा कितना 80, और डिवाइड कितना से करेंगे 100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 कितना हो गया 12। 100 से जितना कम होगा वही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो 100 से कितना कम है ये 28%, यही इक्विवेलेंट क्या होगा डिस्काउंट। लिखो सर, वो जो GST ऐड करता है मेडिसिन वगैरह लेते हैं, CGST SGST दोनों मिला के एक ही बार ऐड करना चाहिए सर, दोनों बराबर होते हैं। सी एच एस उसका एक बार ऐड नहीं करने के पीछे रीजन होता है, हम लोग तो प्रत्येक मंथ ये फाइल करते हैं, हमेशा GST मतलब सेंट्रल वाले और स्टेट वाले दोनों मिलकर हमेशा इवेन होना चाहिए, इसलिए उसको जो पार्टिकुलर काटा जाता है, ऐड करके काटेगा तो इवेन नंबर आ जाएगा, उसका जो चालान नहीं भर पाएंगे, इसलिए सेपरेशन में काटते हैं, समझे। थर्ड मेथड देखो, जिनको दिक्कत होगी इसमें वो इसको लेके दौड़ जाओगे, ईडी इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या कर लोगे 100 कर लोगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका देखो 10+20 माइनस 10×20 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ये 0000 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया कितना 2, आपका कितना हो गया 28%, ये ईडी हो गया। माइनस क्यों लेंगे फॉर्मूला तो जनरल होता है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे एक्स होता है, यही होता है दोनों मेरा चूंकि डिस्काउंट है, ठीक ना, तो डिस्काउंट है तो ये भी माइनस एक्स, ये भी माइनस वाई, यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बटे क्या करते हैं 100, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स वाई बटे 100, तो माइनस हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे क्या होता है 100, ये पूरा जो है डिस्काउंट जो है निगेटिव में बता, हम बताए थे डिस्काउंट रेट क्या होता है, ऋणात्मक दर होती है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस को हम लोग क्या करते हैं हिडन करके बस यही फॉर्मूला को लिखते, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए दो कार्मिक बट्टा 20% तथा 30% का समतुल बट्टा क्या होगा, 20% तथा 30% का समतुल बट्टा क्या होगा, लिख लिए ना सब आदमी, ये 20% और 30%, हाँ 20% एंड 30% का समतुल बट्टा क्या होगा, 44%। हम सेकंड मेथड से बनाएंगे, 20% का डिस्काउंट 80 हो गया, 30% का डिस्काउंट 70 हो गया, बटे 100, 8×56 100 से कितना कम है ये 44%, यही 44% आपका क्या हो गया ईडी हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाइए, एक तीन वाला बता देते हैं, ठीक ना, ताकि ये सेक्शन भी आप लोग जो आसानी से कर लीजिए, सस्ते बनेगा, एकदम बता रहे इसको देखिए से सब मेथड खोले होगा उसमें, जैसे आप ही का क्वेश्चन है ये 20% एक दिया है 10, देखो दो नंबर है ना, 10% 20% और 30% का समतुल बट्टा निकालना, एकदम खाटे पे जा रहे हो, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला मेथड को प्ले करते हैं, क्या करते हैं पहला मेथड को, हम लोग क्या करेंगे फिक्स प्राइस को कितना मानेंगे 100, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 100×10% का डिस्काउंट 90/100, फिर 20 का करोगे 80/100 और ये 30 का करोगे 70/100, तो आपका हो गया 1020 खत्म हो गया, 1020 ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कहने का मतलब 9×72×7 कितना हो गया 10, 7×14=50 हो गया, 50.4 हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं है, आपको आप ईडी निकालना है, तो बैलेंस डिस्काउंट बराबर हो जाएगा फिक्स प्राइस माइनस क्या करेंगे सेलिंग प्राइस करेंगे, तो फिक्स प्राइस 100 माइनस ये 50.4 बराबर कितना हो गया 49.6% जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक। अब इसका सेकंड, ये बेसिक था, ये क्या था बेसिक,
अब इसका सेकेंड मेथड हम लोग प्ले करते हैं, ठीक। सेकेंड मेथड कह रहा है कि 10% की डिस्काउंट तो कितना 90, 20% की डिस्काउंट 80। ये दोनों मिलके इसको वैलेंट डिस्काउंट देता था, दो पर ही इक्वल वैलेंट मिलता था ना जी सर। एक अब मेरा ऐड हो गया कितना 30%, तो 30% का मतलब कितना 70। तो ये दोनों मिल के इक्वल वैलेंट देता था, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, जो ये इक्वल वैलेंट देगा फिर इसके साथ रिलेशन बनाएगा, समझ गए। तो फिर उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग 100 से यूज करेंगे, जब दो रहेगा तो सिंगल 100, तीन रहेगा तो डबल 100, समझ गए। अब 1020 फिर काट लो, आपका देखो फिर आपका आ जाएगा 9872 गुना 7 करोगे तो हो जाएगा कितना 50.4, और 50.4 जो है 100 से कितना कम है 49.6 कम, तो यही हो गया इजी। अब तीसरा पे आते हैं, तीसरा मेथड थर्ड में कह रहा है क्या, 10% है, 20% है और क्या है 30%, क्लियर यही है ना। तो पहले ये दोनों का ईडी निकलेगा, समझ गए। ये दोनों की ईडी निकालोगे 10+20-10×20 बटे कितना 100000 खत्म, 30-2 = कितना 28%। ये फिर स्लिप करके इसके पैरेलल में आएगा 30%। अब ये दोनों फिर इक्विवेलेंट बनाएगा, समझ गए। अब यहाँ से फिर रिलेशन चलेगा 28+30-28×30 बटे कितना 100, ठीक। तो ये हो गया कितना देखो 58, और ये 0 काट दो तो हो जाएगा 8×24=4, 2×3=8, 8.4 हो गया। अब 58 में 8.4 घटाओगे 49 कितना हो गया 6, जो आपको लगे। मगर फिर भी बता दिए, जब बोलते हैं कैसे बनेगा तो ये बनाना इसी तरह है, समझ गए ना। टाइम हो गया क्या आप लोग को, आप लोग मतलब 7:15 तक आ जाएंगे। डायरेक्ट आप लोग से ही आते हैं।